दशानन रावण के पुत्र मेघनाथ का जब जन्म हो रहा था उस वक्त पे रावण ने नवग्रह को ये आदेश दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए आप एक ही दिशा में एक ही सुरेख रेखा में आप आएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि मेघनाथ के जन्म के दौरान उसे अमरत्व प्राप्त हो जाए। लेकिन अगर मेघनाथ को अमरत्व प्राप्त हो जाता तो रावण की शक्तियां अनेक गुनी बढ़ जाती। ये जानकर भगवान शनिदेव ने अपनी वक्र दृष्टि मेघनाथ के जन्म के ऊपर उसके ऊपर डाली। इसी वजह से मेघनाथ अजय नहीं बन पाया, मेघनाथ अमर नहीं बन पाया। और तब से लेकर जब तक रावण की मृत्यु नहीं हुई थी, या फिर यह कह सकते हैं कि जब तक भगवान शनि की वक्र दृष्टि डालने की घटना से लेकर जब तक भगवान हनुमान ने रावण की लंका में कदम नहीं रखे थे, तब तक शनिदेव को रावण अपने सिंहासन के नीचे, अपने जूते के नीचे दबोच कर रखा था। और जब भगवान हनुमान ने लंका दहन करना शुरू किया तब उनका ध्यान पड़ा भगवान शनिदेव के ऊपर और उन्होंने भगवान शनिदेव को मुक्त कराया। लेकिन भगवान शनिदेव इतने दुर्बल हो चुके थे कि उनमें कोई शक्ति ही नहीं बची थी वहां से निकलने के लिए। और ये जानकर भगवान हनुमान ने उन्हें श्रीलंका से भारत में प्रक्षेपित किया। वो जहां पे भी गिरे वो आज शनि पर्वत के नाम से जाना जाता है। और शनि पर्वत से महाराष्ट्र के शनि शिंगलापुर के मंदिर में एक शिला ले जाई गई, पाषाण शिला। और उसी पाषाण शिला की आज हम पूजा करते हैं। ओम श्री मातृ नमः।